वेलकम टू रिजवाना किचन। आज रिजवाना की किचन में बनने जा रहा है तंदूरी पिज्जा। तो देखिए, मैंने रेडीमेड वाले बेस लिए हैं पिज्जा बनाने के लिए। दो पैकेट लाए मैंने, और ये है, मैंने चिकन को मैंने मसाले लगा के फ्राई करके ले लिया है। और ये प्याज है, इसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। और ये है शिमला मिर्च, ये मैंने 3 शिमला मिर्ची ली थी, आप आपके पिज्जे के हिसाब से लीजिए। और ये पिज्ज़ा टॉपिंग है, यानी कि पिज्ज़ा सॉस है, मैंने इसको घर पे ही बनाया है। और ये ओरिगैनो है, और ये चिल्ली फ्लेक्स जो हमको, ये पिज्ज़ा बनने के बाद हम ये ओरिगैनो और चिल्ली फ्लेक्स हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको अभी हटा देंगे, इसको साइड में रख देंगे। और ये पानी है, मैंने प्लेट में लिया है, पानी को मैं बेस को लगाऊंगी। और एक तवे पे भी बनाना बताऊंगी मैं आपको, और एक कढ़ाई में। तो देखिए, कढ़ाई में बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर नमक डाल के रख दिया है। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ नमक है, मैंने जब भी केक बनाती हूँ ना तो तब मैं यही नमक इस्तेमाल करती हूँ। और फिर बाद में ये नमक को ठंडा होने के बाद एक बोतल में या एक डब्बे में रख के उसको मैं रख देती हूँ बंद। और ये प्लेट को मैंने स्टील की प्लेट ली है, मैंने इसको सिल्वर पेपर लगा दिया है। फिर बाद में मैं जब पिज्ज़ा बनाऊंगी ना तो आप लोगों को बताऊंगी। ये कढ़ाई के लिए मैंने इसको सिल्वर पेपर लगा के रखा है। और ये है चीज़, ये मैंने डीमार्ट से लाई थी, अमूल वाले चीज़ से, ये चीज़ सस्ता है, ये 90 रुपये का मिला है मेरे को एक पैकेट, देख सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तब भी आप डीमार्ट में जाएं और आपको चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ बनानी है तो आप ये वाला चीज़ लाइए, एकदम सस्ता। मैं तवे पे भी बनाना बताऊंगी आपको पिज़्ज़ा और कढ़ाई में भी। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया है गर्म के लिए, हम इसको धीमी आँच पे रखेंगे, गरम होने देंगे, थोड़ा कम कर देंगे गैस को। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करेंगे हम। देखिए, बेस को हम नीचे से थोड़ा सा पानी लगा, तवे पे कैसा होता है जल जाता है ना, इसके लिए ऐसा हाथ में ऐसा थोड़ा ऐसा हाथ को गिल्ला करके ऐसा इसको पानी लगाना है। हल्का हल्का मैंने इसको पानी लगा दिया है, अब इसको प्लेट में रखेंगे और इस पे लगाएंगे हम पिज्जा सॉस। चलिए, पहले हमने पिज्जा सॉस लगा लिया है, अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चीज, इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा चीज डालेंगे। इसमें डालेंगे, इसके ऊपर हम चिकन लगाएंगे, इसे तंदूरी पिज्जा, एकदम सस्ता और एकदम कम खर्चे में घर में एकदम आसानी से बन जाता है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें। और अब हम इधर लगाएंगे प्याज, फिर लगाएंगे शिमला मिर्ची, फिर शिमला मिर्ची, फिर प्याज। आपको टमाटर डालना है तो आप इस पर टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने टमाटर इसमें नहीं डालनी है।
अब इस पे डालेंगे हम चीज। आपको जितना डालना है आपके ऊपर है। थोड़ा हम इसको क्या कर देंगे, पहले तवे पे रखेंगे, फिर डालेंगे हम इसमें चीज। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट को ढक देंगे और उसको 2-3 मिनट के बाद हटा कर देंगे। अभी हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, इसके ऊपर हम पानी नहीं लगाएंगे। इसको ऐसे ही सिल्वर पेपर पर रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। अब इस पे लगाएंगे चिकन। इस पे भी लगाएंगे हम उसी तरह से शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर आपके ऊपर है, आपको डालना है डाले, नहीं डालना है मत डाले। नमक हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब इसके अंदर स्टैंड को रख देंगे इसे और प्लेट को भी रख देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम चीज। ये है हमारा घर का ओवन जुगाड़। चीज मिर्ची सब कढ़ाई में चीज घुसा है मेरा। इसके ऊपर भी हम एक प्लेट ढक देंगे और इसको भी 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा चीज़ पूरा अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। तब तक बार बार हटा के नहीं देखेंगे, 5 मिनट के बाद हम इसको हटा के देखेंगे। पिज्ज़ा हमारा ये वाला बनके एकदम मस्त तैयार हो गया है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगेनो। ये है ओरिगेनो है, ये डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। और एक चीज मैं बताती हूँ आपको, उसमें से सॉस डालेंगे हम और मेयोनीज। इसके अंदर मैंने सॉस को भर के रखा है, ऐसे डालेंगे हम इसके ऊपर से सॉस। और डालेंगे मेयोनीज। मैं आप लोगों को इसको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए एकदम क्रिस्पी बना है, आवाज से भी आप लोगों को पता चल रहा है। आप लोगों को खा के भी दिखाती हूँ हमारा, देखिए पिज्जा कैसे बना है। और आप लोग भी अपने घर पे
जरूर ट्राई। चीज देखिए, तंदूरी पिज्जा एकदम सस्ते में। उसका भी ढक्कन अगर हटा के हम चेक करके लेंगे। देखिए अभी तो हुआ नहीं है, कढ़ाई में कैसा टाइम लगता है। बाकी के भी मेरे दो बेस बच्चे हैं, बाकी के भी मैं इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताई ना उसी तरह से मैं इसको भी तवे पे ऐसे बना के लूँगी। कढ़ाई वाला भी हमारा तैयार हो गया बन के। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकालेंगे आराम से बाहर से निकाल, गिर ना जाए तेरे। निकालेंगे बाहर, इसको रख देंगे साइड में और इसको अभी हम ये प्लेट से उतार के हम इसको ये प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से ओरिगेनो डालेंगे पहले और डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा। लगाएंगे इसके ऊपर से मेयोनीज, जो अभी मैं इसको आप लोगों को मेरे चिकन तंदूरी पिज्जे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, फिर मिलती है मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी। Bye, and have a good day.